वैसे ये रस्म लड़के की मौसी निभाती है और लड़की वाले शगुन देते हैं, लेकिन तुम्हारी कोई मौसी नहीं है ना, तो ये रस्म मैं निभाऊंगी। अरे हमारे हक की मेहंदी काहे छीन रही हो? मासी कैसी हैं आप? मासी सच्ची कही, हमारे भांजे की शादी और हमको नहीं बुलाया तो हम खुद ही आ गए समंदर लांग के। नानी आपने तो कहा था कि मासी हरिद्वार में, और आपने मासी को मेरी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे लल्ला मैं तो खुद ही बताने वाली थी, लेकिन नमस्ते जी सबन को, हमारा नाम है डॉली मथुरा वाली, हमारे मिस्टर पिंटू चौरसिया नहीं आ पाए। हमारी उच्चर लो क्लास बेटी यहाँ कहाँ से आ गई, इसको भी झेलना पड़ेगा? जी हमारी खुशी नहीं देख सकती जी, हमारी बेटी ना राहु और केतु है हमारी कुंडली की। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी शादी में हम सब लोग मिलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके लिए रूम अरेंज करके आता हूँ, तब तक आप सबसे बात करिए। मोहित चल। नमस्ते जीजी। अच्छा तो तुम हो हमारे लल्ला की पसंद हा? हमने सुनी है बहू कि तुम्हें खाना पकावे को खूब शौक है, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि खाबे को भी खूब ही शौक है, हैं? नमस्ते। ये बड़ी चाची और ये पीडी, मतलब उनकी परदादी। साइन लग रहे अम्बा जी। नमस्ते जी, मैं जीवन, महक का बड़ा चाचा। नमस्ते जी, मैं रवि, महक का छोटा चाचा। नमस्ते, मैं महक का दादू। जी जी हम जी जी जे सगुन लड़की के घर से आयो है ना? हाँ जी, हम ही लोग लाए हैं ये सामान। एक बात कहूं समधिन, बुरो मत मानी जी। बोलिए ना आप। तुम्हारी लड़की के भाग चमक गए, बहुत ही बड़े घर में हो रहे ब्याह, और देखने में तो आप भी कमजोर नहीं लगती, फिर जिस सगुन को थार इतना कमजोर का है? माफ कीजिएगा, शौर्य ने हमें साफ कहा था कि जितना रस्म निभाने के लिए जरूरी हो उतना ही हाथ खोलिएगा। अच्छा, शौर्य ने कही और आपने मान ली, अपना दिमाग नहीं लगायो, देखने में तो समझदार लग रही हो। दो चार सफेद बाल भी बता रहे हैं कि तजुर्बे से पके हैं धूप में नहीं, कुछ तो सोचनी चाहिए थी। 10 लोग देखेंगे, बेटी दे रहे हैं आप हमें। आप बताइए ना क्या करना है, हम लोग करेंगे। कांता जी आपने जो कुछ भी किया है ना बिल्कुल सही किया है, शगुन तोहफा होता है और तोहफा तोल कर नहीं दिया जाता। समधन जी दिल पे मत लियो, वो क्या है कि हमारा रिश्ता जुड़ रहा है जैसे कह दी हमने, है? आ, शादी मुबारक हो आप। आज चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, देख के होते भरते नहीं।
दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे, अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन। ओए अम्मा गिर जाओगी, हड्डी वड्डी टूट जाएगी तुम्हारी, सुन नहीं रही हो, टूटेगी तुम्हारी टूटेगी। चल चल इधर, हां चल 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 इधर। अरे चल रहा है, इतनी जल्दी काय कर रही हो हैं? चल भाई जानो है तुम्हें। ओए अम्मा हाथ तो छोड़ो, हाथ दुखा दियो हमारा। अरे डॉली क्या ना है तुमको, हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ धमकी। अच्छा अम्मा है? तुम तो सातिर बिल्ली हो अम्मा, जुआ में पैसा हार के हमें फंसा के खुद जहाँ चली आई। क्या खिचड़ी पक रही है? जो तुम सौरे को ठगने का जाल बुन रही हो ना, तो कट लो जहाँ से। तुम्हारी मक्कारी के किस्सा ना सबको बता देंगे। ए अम्मा, डायन भी साथ घर छोड़ देती है और तुम तो अपनों के ही घर में डाका डालती हो। ए बकवास बंद कर, चुपचाप खाना खा और खिसक ले यहाँ से। चल फूट ले यहाँ से। अम्मा हम खिसकने के लिए नहीं, यहाँ जमने के लिए आए। हाँ हमारी ना तुम पे नजर है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई मशहूर होटेलियर शौर्य खन्ना आज अपना सबसे एलिजिबल बैचलर का टाइटल होने वाले हैं। ऐसी हाई प्रोफाइल शादी और यहाँ का सबसे बेहतरीन और हाई प्रोफाइल वेडिंग डेस्टिनेशन द लीला एम्बियंस गुरुग्राम में आज उनकी शादी हो रही है। आइए चलते हैं इस ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग की लाइव कवरेज के लिए। कैमरामैन सुगम के साथ मैं नैंसी दिन। अच्छे घर में शादी हो रही है ना महक की, सैड बात है ना कि अपने ससुर ही नहीं आएंगे शादी में। हरीश खन्ना नहीं आए? इंटरेस्टिंग। हिमांशु ब्रेकिंग न्यूज, शौर्य खन्ना ने अपने से कम पैसे वाले घर में शादी करके ये साबित कर दिया है कि प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। लेकिन क्या उनकी सोसाइटी, उनके पिता इस पुरानी दख्यानुसी सोच को भुलाकर इस शादी में शामिल होंगे? कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं स्वाति, फास्ट न्यूज। हेलो पापा, मैं महक। बोलो, और कुछ बटोरना बाकी रह गया है? कोई कमी रह गई है क्या? हाँ रह गई है, आपकी कमी। अगर आप आ जाते तो सबको बहुत अच्छा लगता पापा। ये सब ड्रामे ना करुणा के सामने किया करो, वही बेवकूफ बनती है इन सब बातों से, मैं नहीं। आप जो भी समझिए, मुझे तो पता है मैं आपको सच्चे दिल से बुला रही हूँ। प्लीज पापा आ जाइए थोड़ी देर के लिए से, आपके आने से बहुत लोगों को खुशी होगी, करुणा माँ को और शौर्य को भी। हेलो पापा, वही होने वाली दुल्हन, कर दिया तेरा काम, चल डांस करने। सुनो, क्यों ना चूड़े की रसम अदा कर ली जाए।
हटे। संभाल के ठीक है तू? हाय हाय हाय, ये क्या भयो? अरे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गयो। हाय हाय, एक बस थाली गिरा, तू बॉम्ब नहीं गिरा, रिलैक्स। मैक 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 अरे ये क्या कर दियो है? अरे हाथ अनमे के लकवा मार गया तुम्हारे, अपशगुन कर दियो सच्ची कही। क्या हुआ? चूड़ा ही तो गिरा है, इतना क्यों इफेक्ट हो रही हो? शौर्य तुम्हें पता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं कि अचानक आंख खुलेगी और ये सपना टूट जाएगा। हम दोनों साथ हो पाएंगे, हम दोनों की शादी हो जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। लेकिन आज आज हमारी शादी हो रही है। लेकिन मन में ना एक डर सा बैठा हुआ है, पर आज जब वो चूड़ा टूटा ना शौर्य, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बहुत बुरा होने वाला है। महक, जानती हूँ जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अच्छा एक चीज दिखाता हूं, ये तो वही चूड़ा है ना जो मैंने जो तुम मेरे पास छोड़ गई थी। पता है वो चूड़ा वहां क्यों टूट गया था? क्योंकि भगवान भी ये चाहता था कि तुम ये पुराना वाला चूड़ा पहनो जो तुम मेरे पास छोड़ गई थी। भगवान ने भी मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया। एक जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये माँ के नाम की भाई के नाम की।
तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। बहन के नाम की तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। और ये चाची के नाम की तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों, मिले हो तुम हमको बड़े। और तुम्हारे नाम का इनको यहाँ छोड़ के ना भाग चलते हैं, कहीं अकेले में जाके शादी करते हैं। तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या? मतलब पहले पूरी दुनिया से लड़ झगड़ के शादी की परमिशन मांगी, अगर भाग के ही शादी करनी थी तो ये सब क्यों किया? इन रीति रिवाजों में ना बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं तुम्हें तुरंत अपना बनाना चाहता हूँ, चलो ना भाग चलते हैं। तुम पागल हो गया, ऐसा नहीं होता है। और सिर्फ शौर्य अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सबके बारे में सोचना पड़ता है। और वैसे भी पूरा परिवार हमारी शादी के लिए इंतजार कर रहा है। अच्छा, you know what? ये सिर्फ सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए एप्लीकेबल होता है, मेरी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। पापा, सर आप बताइए, आप तो आने वाले नहीं थे, फिर यूं अचानक यहाँ? अरे भाई, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, बेटे की शादी बिना बाप के कैसे हो सकती है? मैं अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। अरे शौर्य बेटा, एक्सक्यूज मी प्लीज। पापा, आप ओके गाइस, आप लोग चलिए पार्टी एंजॉय करिए, मुझे कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू पापा। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी फोन कॉल की वजह से आया हूँ, और ना ही मुझे यहाँ पे सो कॉल्ड बेटा और बीवी का प्यार लेके आया है। तुम लोगों से बढ़ के भी मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरी रेपुटेशन, मेरी इमेज, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ सेक्रिफाइस कर रखा है। और एक बात कहूं, तुम्हारे परिवार के अगर दो चार लोग स्विमिंग पूल में डूब के मर भी जाए तो कोई न्यूज नहीं बनती। पर हाँ, मेरा ना आना ब्रेकिंग न्यूज है, समझी? माँ, दिल छोटा मत करो, वजह चाहे जो हो, लेकिन पापा आज आए तो सही ना। मेरा दिल कहता है कि भले ही पापा कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर उनका भी मन था यहाँ आने का। और फिर कुछ भी हो, वो कुछ भी कहे, लेकिन वो आप दोनों से प्यार करते हैं, बस दिखाते नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन और बिजनेस से प्यार करते हैं।
और तुम्हें किसने कहा था उनको फोन करके यहाँ बुलाने को? I'm warning you, महक, हम दोनों शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद भी ना घर के कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनमें तुम इंटरफेयर मत करना। ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हमारी शादी के लिए।